मालो की कैसा लग रहा है? बड़े अच्छा। और पैसे वालों वाला फेशियल। अभी तो मेरा मन कर रहा है कि इस बार मैं शादी कर ही लूं। घर तो छुड़वाया, अब क्या छुड़ाएगी नौकरी? मैंने पिंकी जी का मेकओवर किया है। आप क्या लग रही है? हेलो नीलर। अबे कौन है बेटू? ये क्या हुआ? ये कौन आ गया है मेरे चैनल में मेरे नीलर्स को हेलो बोलने? गाइज ये है पिंकी दी जिसको आज हम मेकओवर कराएंगे। यार ये कितनी ऑसम है यार। एंड गाइज पिंकी दी हमारी दूसरी मम्मी बोल सकते हो क्योंकि हमारे घर में सारी चीजों का ये ख्याल रखती है। एंड ये खुद का भी ख्याल रखती है, हमारा भी ख्याल रखती है, हर किसी का ख्याल रखती है। तो आज हम इनका ख्याल रखने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को क्या करना होगा? लाइक करना। लाइक करना होगा गाइस, तो जल्दी से लाइक कर दो। गाइस पिंकी दी का तो मैं मेकओवर करवाऊंगी, बट उससे पहले अगर आपको मैं पूछूं कि आपका फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट कौन सा है? मेरा तो यार काजल के बिना दिन ही नहीं गुजरता। मतलब मुझे हमेशा लगता है कि काजल थोड़ी सी भी लगा लूंगा तो भी चेहरा बिल्कुल खिल खिल जाता है। गुड वाइब्स इंटेंस वेट हाइड्रो मोल्ड काजल, ये काजल गुड वाइब्स का न्यू लॉन्च है एंड जब से मैंने इसको यूज किया है ना ये मेरा फेवरेट काजल बन गया है। गाइस सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो कि वन स्ट्रोक में कितने अच्छे से अप्लाई हो जाता है। साथ ही में ये पूरी तरह से स्मज प्रूफ एंड वाटर प्रूफ भी है एंड इट्स 100% वीगन, कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं होता है। साथ ही में गाइस ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड तो है ही एंड ऑप्थाल्मोलॉजिकली टेस्टेड भी है, मतलब स्पेशली आईज के लिए भी ये अच्छा है। एंड ये 24 आवर्स तक लास्ट करता है, हाईली पिगमेंटेड है, एकदम स्मूथली ना स्किन में ग्लाइड हो जाता है, आपको बिल्कुल भी पुल नहीं करना पड़ता। इट्स वेरी इजी टू यूज एंड गाइस आप तो देख ही सकते हो मैं बिल्कुल आपको टेस्ट करके दिखा चुकी हूँ कि ये कितना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटर प्रूफ एंड स्मज प्रूफ है। एंड इसमें रोजहिप सीड ऑयल होता है सो इसीलिए ना ये लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन भी देता है। तो गाइस मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद है, आई एम श्योर कि आपको भी पसंद आएगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जल्दी से जाओ एंड चेकआउट करो। सो गाइस अभी हम सुनेंगे पिंकी दी का डेली रूटीन। तो कितने बजे उठते हो? चार्टे शुमन। सो पिंकी दी 4 बजे उठती है और ये है पिंकी दी की डॉटर, ठीक है ना? पिंकी दी एक सिंगल मॉम है तो पिंकी दी को 4 बजे उठ के पहले घर का काम करना पड़ता है। घर का काम, खुद का घर का काम करती है, फिर दूसरे जगह पे जाके काम करती है, फिर घर में वापस आके खाना बना के इसको स्कूल भेजती है, फिर से काम करने निकल जाती है। एंड सबसे बड़ी बात इसका जो पढ़ाई है, इसको और क्या क्या सिखाते हो? स्कूल, नाच, आका, स्कूल है, डांस है, ड्राइंग है, सारी चीजों का खर्चा सिर्फ पिंकी दी ही उठाती है। तो बहुत ज्यादा काम करती है पूरा दिन में। तो आज का पूरा दिन कोई काम नहीं करोगे, ठीक है ना? नहीं करोगे ना? तो आज का पूरा दिन हम पिंकी दी को बिल्कुल प्रिंसेस पिंकी बनाएंगे, हैं? एंड देखते हैं कि वीडियो में कितना ज्यादा मजा आता है हमको, ठीक है? मुंबई की ना दिल्ली वालों की पिंकी है पैसा मालों की। तो गाइस फाइनली अभी हम पैसे वालों की तरह फेशियल करना स्टार्ट करेंगे पिंकी की। तो चलो करें फेशियल स्टार्ट। एकदम कहते हैं एकदम देव। तो सबसे पहले मैं पिंकी दी के फेस में पोछा लगाऊंगी और मैं ना उनको प्रैंक कर रही हूँ इसलिए बार बार मुंह खोलने बोल रही हूँ। मैंने मुंह में टीचर घुसा दिया। क्या है ये? टोनर। ओ, इतना कुछ पता है पिंकी? पैसे वालों की है ना तो ये सब चीज पता है किसके बाद क्या लगाया जाता है। मुझे भूत मत सजा देना। मैं भूत ही सजा दूंगी। बड़े मजाकी हो, बड़े मजाकी हो। So guys, अभी हो रहा है पिंकी दी का फेशियल, ठीक है? तो एक आदमी से थोड़ी वो सेलिब्रिटी वाला वाइब मिलेगा, है ना? इसीलिए दो इंसान हम लोग आ चुके हैं। कैसा लग रहा है? बड़े अच्छा। और अच्छा हाँ। ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी के साथ? ये क्या है? आई पैच है सोने का, क्योंकि पिंकी पैसे वालों की है ना गाइस, इसलिए देखो सोने का आई पैच लगा रहे हैं हम लोग। सच्ची बात बताऊं आज तक मैंने भी जिंदगी में ये वाला आई पैच नहीं लगाया। एंड
फेशियल खत्म होने के बाद हम लोग लगा देंगे थोड़ा सा फेस पैक एंड इससे हमारा बिल्कुल पैसे वालों वाला फेशियल खत्म होता है। कितना टाइम? थोड़ा टाइम, 10 मिनट। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह। एक गाना सुनने के लिए? एग्जैक्टली, गाना सुनने के लिए। अच्छा, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो अभी टाइम आ गया है खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन की, जहां पे हम मैजिक से पिंकी दी का ड्रेस चेंज कर देंगे। 3, 2, 1, let's go! तो कैसा लगा ड्रेस? बहुत अच्छा। तो चलो अभी बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हम मेकअप, ठीक है? गाइज, मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे लेके आ चुकी हूँ एक फेस रेजर। इससे मैं पिंकी दी के जो भी आईब्रोज है ना, आईब्रोज में जितने भी बाल है ना, सारे निकालने वाली हूँ। नहीं गाइज, मजाक कर रही हूँ, थोड़ा सा आईब्रोज को शेप अप कर दूंगी ताकि आईब्रोज बिल्कुल प्रिटी प्रिटी लगे। एंड इसको साफ करने के बाद मैं उनके फेस में लगा रही हूँ ढेर सारा मॉइस्चराइजर, ताकि स्किन ना एकदम हाइड्रेटेड, ग्लोइंग, ब्यूटिफुल, पिंकी पिंकी हो जाए। तो अच्छा बोलो, अभी मैं क्या लगा रही हूँ पता है तुमको? नहीं पता? नहीं पता। फाउंडेशन। तो यहाँ पे मैं गाना गाते गाते फाउंडेशन को लगाना स्टार्ट करूंगी। एंड गाइस, आपको बता देती हूँ, मैं ना 2 टाइप का फाउंडेशन लगाई थी उनके फेस पे, ताकि पिंकी दी के फेस के सारे दाग धब्बे सब छुप जाए। आप देख ही सकते हो फेस बिल्कुल कागज जितना व्हाइट हो गया है। एंड हाँ, अभी हम लगाएंगे कंसीलर। गाइस, पिंकी दी के फेस में जितने भी दाग धब्बे जो भी है, सब कुछ मैं एकदम ढक दूंगी। तो मैं जो गलतियां करूंगी ना, वो भी आप अपने नजरिए से ढक देना, क्योंकि मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट हूँ नहीं, तो जैसा मुझे आता है वैसा ही करूंगी। तो यहाँ पे मैं डैब डैब करके कंसीलर को ब्लेंड करूंगी। इसके बाद ढेर सारा पाउडर लगाऊंगी, क्योंकि हमें अभी आई मेकअप भी करना है, तो अगर आई शेडो गिरे तो साफ भी तो करना पड़ेगा, इसलिए बेक करेंगे हम आई पाउडर लगा के। नाउ आईब्राउज को भी सेट कर लिया अच्छे से। एंड नाउ फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं आई मेकअप। तो पिंक कलर का शेडो लगाने के बाद मैं ना आईलिड पे लगाऊंगी गोल्डन कलर का आई शेडो, एंड गोल्डन कलर के शेड के ऊपर गोल्डन ग्लिटर, थोड़ा सा पिंक ग्लिटर लगा दिया। एंड या, आई मेकअप इज ऑलमोस्ट डन, थोड़ा बाकी है। अभी फेस को कॉन्टोर करने की एंड ब्रॉन्ज अप करने की बारी है। तो यहाँ पे कॉन्टोर कर रहे हैं गाइस, देख ही सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से मैं कॉन्टोर कर दिया है। एंड ब्लशर लगा दिया, नोज को भी अच्छे से शेप कर दिया, ताकि ये छोटू सा नोज एकदम बार्बी डॉल जैसा हो जाए। अभी लास्टली हम लगाएंगे लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक के बिना तो लुक ही अधूरा रहता है ना, और पिंकी का लिपस्टिक तो पिंक कलर का होना ही चाहिए। तो देखो, पिंक कलर का लिपस्टिक भी लगा दिया। अभी आईलाइनर लग रहा है, मैंने बहुत ही सिंपल रखा आईलाइनर। लास्ट में हम लगाएंगे काजल, क्योंकि काजल के बिना मेकअप कैसे कंप्लीट हो सकता है। एंड अभी वो पिंकी पिंकी ग्लो के लिए मैं पिंक कलर का हाइलाइटर लगाऊंगी। देखो कितना सही वाला हाइलाइटर है। एंड लिपस्टिक से छोटा सा बिंदी लगा दूंगी। एंड अभी गाइस, जेवर 2.5 किलो, नहीं ये शायद 100 किलो के जेवर होंगे, मतलब इतने महंगे गहने। वाओ, इतने सारे सोने के जेवर, अभी तो मेरा मन कर रहा है कि इस बार मैं शादी कर ही लूं। छोकरी संतरे की टोकरी, घर तो छुड़वाया, अब क्या छुड़ाएगी नौकरी। पहचान में नहीं आ रही है। अच्छा सुनो ना, तुम क्या पीपी को पहचान पा रहे हो? नहीं। ओह माय गॉड, बट पिंकी दी ने अभी तक खुद का लुक देखा नहीं है, तो चलो पिंकी दी को भी दिखाते हैं। गाइस, पिंकी दी इतना ज्यादा मतलब डर रही है, शर्मा रही है कि कैसी लग रही है पता नहीं। तो चलो लेट्स रिवील द लुक। सुंदर लग जाए दीदी दो ना। So guys, यहाँ पे मैं, पिंकी दी और ये क्यूटी पाई, हम तीनों मिलके आ चुके हैं पार्क में। मजा आएगा, चलो मजे करते हैं पिंकी दी और क्यूटी पाई के साथ। पार्क में आके पति तो नहीं मिला, लेकिन दो दो जिराफ बॉयफ्रेंड तो मिल गए। कौन है ये लोग? देह छोटा सा, छोटी सी आशा। Oh, so cute! मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कौन है? मेरा होने वाला पति।
ये लड़की पागल है क्या? A few moments later. So guys, यहाँ पे आके मैं मिल गई हूँ मेरी एक नील हट से. तो आज ना मैंने पिंकी दी का मेकओवर किया है. अच्छी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही है. चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, Shut up, you pagals! हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है. छोटी बच्ची हो क्या? वाह, क्या सीन है. So guys, पिंकी दी अभी बहुत ज्यादा थक गई है. इतना ज्यादा काम किया ना, थक गई है. भूख लगा है? नहीं लगा? हाँ लगा. तुमको लगा है? हाँ गाइस, इन दोनों को भी भूख लग गया है, मुझे भी भूख लग गया है. तो चलो अभी खाना खाने चलते हैं. So guys, अभी हम लोग खाना खाने आ चुके हैं. तो पिंकी दी बताएगी कि क्या खाओगे तुम. बिरयानी. बिरयानी पिंकी दी का भी फेवरेट है, बिरयानी. तुम क्या खाओगे? कोल्ड ड्रिंक्स. सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ नहीं? और बिरयानी. बिरयानी भी खाएगी, कोल्ड ड्रिंक भी पिएगी. तो चलो यार, कुछ खाना ऑर्डर करते हैं. मैं दुल्हन के लिए कुछ ऑफर नहीं है भैया? नहीं है. थोड़ा तो कुछ ऑफर दे दो, देखो इतनी प्यारी दुल्हन है. दूल्हा ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला अभी तक. ये बोल रही है अगर आप चाहो तो आपसे शादी कर लेगी. तुम लोगों को बकरी समझ के रखा है, इसलिए पत्ता दिया है. खाओ, ए लो पत्ता खाओ, पत्ता. हम लोग मॉल में आ चुके हैं. एंड आप देखो यार, एस्केलेटर में पहली बार चढ़ रहे थे ये लोग. एंड आप जो क्यूटी पाई को देख रहे थे वो तो डर रही थी, बट उसको बहुत ज्यादा मजा भी आया. तो अभी हम लोग थोड़ा सा साड़ी का शॉपिंग करेंगे. साड़ी में बहुत ही अच्छा सेल लगा हुआ था. एंड ये ब्लू कलर का साड़ी तो मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत ही ज्यादा प्रिटी था. एंड इसके बाद ना हम मैनिक्विंस के पास गए. तो ये मॉडल्स को देख के तो पिंकी दी को ये वाले साड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए और है भी बहुत ही अच्छे, है ना. तो नाउ हम लोग गए किड्स सेक्शन में. तो किड्स सेक्शन में जब मैं ड्रेस देख रही थी, और मेरा तो फितरत है हर चीज़ गिरा देना, तो मैंने गिरा भी दिया था. और अब पीछे देखो, मेरी एक क्यूट सी नील हट आ गई मुझसे मिलने. शी वाज सो क्यूट. तो हम मिल लिए. एंड उनके साथ ना एक बहुत ही छोटू सा क्यूटी पाई भी था. एंड हमने पिक्चर्स लिया. सो गाइज, अभी हम लोग घर वापस आ चुके हैं. एंड पिंकी दी बहुत ज़्यादा थक चुकी है. थक चुकी हो? घर जाना है. इसको घर जाना है. मैंने बोला कि आज रात को रहे जाओ हमारे घर में, बट ये नहीं रह सकती, इसको घर जाना ही पड़ेगा. तुम्हें भी घर जाना है या यहाँ पर होगे? जाना है. जाना है, इसको भी घर जाना है. तो यार आज का वीडियो इतना ही रखते हैं. ये इतना ज़्यादा शर्माती है और उनको हिंदी आता ही नहीं है, तो इसीलिए पिंकी दी हिंदी नहीं बोलेगी. बोलोगी कुछ? नहीं. कुछ तो बोलो. अच्छा कैसा लगा बोलो आज का पूरा दिन? अच्छा. सिर्फ अच्छा? बहुत अच्छा. ओ, बहुत अच्छा लगा. गाइस, पिंकी दी को हिंदी बोलना बिल्कुल नहीं आता. तो आप भी बताओ कि आपका वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा. लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना. गाइस सब्सक्राइब करना तो फ्री है यार, सब्सक्राइब तो कर ही दो, मुफ्त 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 है.